I really don't like beetroot at all. अच्छा है, हेल्दी चीज क्यों खाए? नॉट बैड, नॉट गुड, नो। मॉर्निंग फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। आज हम खाने वाले हैं रेड कलर फूड फॉर 24 आवर्स। नाउ मैं दो तीन चीज बोलना चाहूंगी आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाट इज माय नेम। गाइस, आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन क्रिएटिंग दिस नेम सिंपल फूडी, सो आई वॉन्ट कि आप लोग मुझे सिंपल फूडी के नाम से जानो। तो फिर भी मैं बता देती हूँ, माई नेम इज प्रियंका सिंह। सिंह, ये बात नंबर टू, विच इज आई एम नॉट बंगाली। सो जो आप लोग बहुत जन हैं जो कमेंट करते हो कि बंगाली हो, बंगाली में क्यों नहीं स्पीक करते हो, तो गाइज आई एम नॉट बंगाली, माई मॉम इज बंगाली एंड आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ बंगाली फैमिली। मम्मी मेरे को बंगाली ठीक से बोलना आता है? नहीं आता है। मेरे को हिंदी ठीक से बोलना आता है? कम आता है। मेरे को इंग्लिश आता है बोलना? इंग्लिश आता है। मेरे को एक्चुअली कोई भी लैंग्वेज नहीं आता, मेरे को हिब्रू लैंग्वेज आता है बोलना। मैं तीनों एक साथ मिला के बोलती हूँ। यस यस यस, हाँ, मेरे पापा शेफ का लव मैरिज है मम्मी शेफ के साथ। सो इस बात पे जो लोग मुझे कहते हैं कि बंगाली होके बंगाली बोलने में शर्म आता है, तो गाइज शर्म किस चीज का? अगर मेरे को शर्म आता तो मैं थोड़ी ना टूटा फूटा बंगाली बोलती, टूटा फूटा कोरियन बोलती है, टूटा फूटा राजस्थानी लैंग्वेज बोला हुआ है, नेपाली लैंग्वेज बोला हुआ है। अगर मेरे को शर्म आती तो मैं वो सारी लैंग्वेज थोड़ी ना बोलती। जिस चीज में आप वीक होते हैं आप वो थोड़ी ना प्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक फोरम। सो उसको शर्म नहीं कहते, उसको कोशिश कहते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन शर्म एंड कोशिश। सो तीन बातें मैंने बोल दी आप लोगों को। विद दैट सेड, आज के इस वीडियो का टारगेट इज 8000 लाइक्स। चलो, आज के इस वीडियो का टारगेट इज 8000 लाइक्स। आप लोग 8000 लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जाती हूँ रेड कलर ब्रेकफास्ट करने। ये आ गया ब्रेकफास्ट में मेरे पास रेड कलर का चाउमीन। हाँ, तो इसको मम्मी ने, जैसे कि आपने इसका रेसिपी देखा था, बीटरूट एंड ऑल, एंड बीटरूट इज रियली गुड फॉर हेल्थ एंड बीटरूट से काफी खून बढ़ता है। तो ये खाने के बाद मेरा खून काफी बढ़ जाएगा। सो कलर तो काफी रेड है। एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, आई डोंट लाइक बीटरूट, आई रियली डोंट लाइक बीटरूट। खुशबू तो अच्छी आ रही है। Not bad. It's good. It's good. It's spicy, and it's actually very spicy. And वो जो seasoning डाला हुआ है, जो sauce डाला हुआ है, उसके वजह से काफी अच्छा taste आ रहा है। Beetroot का पता ही नहीं चल रहा है। आलू है। It's really good. Very tasty. Beet और आलू तो पता ही नहीं चल रहा। Beetroot and आलू एकदम same लग रहा है। Definitely try this recipe at home. This is very good. अब बच्चा लोग को definitely ऐसे बना के खिलाइएगा। इस बहाने बच्चा लोगों के diet में कुछ तो हेल्दी एलिमेंट्स जाएगा। এই নে, কাজ করতে করতে এটা খেয়ে নে। গরম করেছো? হ্যাঁ, তোকে গরম ছাড়া দেবো। ঠিক আছে, তো ঠান্ডা লেগে যাবে। अभी बज रहे 12:30। सो जब मैं घर पे रहती हूँ, ट्राई टू ड्रिंक जूस। जब घर पे नहीं रहती हूँ तो नहीं पीना हो पाता है। अनार का जूस या फिर मौसमी का जूस, बोथ द जूसेस आर रियली गुड फॉर हेल्थ, एटलीस्ट फॉर मी। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मेरे लिए ये दोनों फ्रूट जूस सूट करता है, तो मैं यही पीती हूँ। सो कितना रेड इन कलर है यार। आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट डूइंग दिस चैलेंज, बिकॉज मेरे को लग रहा है मैं काफी सारी हेल्दी चीजें खा रही हूँ उस चैलेंज में। एंड ये समवेयर इट विल हेल्प माई डाइजेस्टिव सिस्टम, इट विल हेल्प माई इम्यून सिस्टम, अल्टीमेटली इट विल हेल्प इन माई ओवरऑल सिस्टम। आजकल अनार बहुत खट्टे आ रहे हैं। केला का टेस्ट क्यों आ रहा है? तो जूस कंप्लीट हो गया। कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट जूस कौन सा, आपको कौन सा फ्रूट्स पसंद है या कौन सा जूस पीना पसंद है, आप करिए कमेंट। मैं आपसे मिलती हूं लंच पे। अभी हम बनाएंगे रेड कलर की पूड़ियां।
पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है मैदा, इसमें हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। पापा से पूछ तो खास तक मोइन 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 देने के लिए। अब रेड कलर करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं पिसा हुआ बीट रूट। वाओ, हो गया तो सो गुड। रेड पूरी के साथ वी हैव गॉट दिस रेड स्पाइसी रेड सब्जी, दिस लुक्स क्वाइट यम। फाइनली मेरा लंच इज हियर एंड लंच में हम खा रहे हैं ये रेड पूड़ियां एंड रेड आलू की सब्जी, जैसे कि मैंने पूरी खाया एंड दिस इज रियली टेम्पटिंग। बट एक चीज मेरा क्वेश्चन है दैट ये रेड नहीं लग रहा, लाइक दिस इज लुकिंग मोर लाइक अ पिंक कलर, राइट? कमेंट करके बताइए रेड है या पिंक है, बीट रूट है, आई डोंट नो व्हिच कलर इज इट। सीरियसली आज को ज्यादा ही बीट रूट खाना हो रहा है। सो ब्यूटीफुल दिस लुक्स, सो डैम गुड, जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल रेड कलर ये दिख रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। वाओ, चलिए अब इसको डालते हैं लाल सब्जी में। वाओ, आई लव 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 दिस आलू का सब्जी, दिस इज द टेम्पटीएस्ट आलू का सब्जी। ये ना नॉर्मली हमारे घर में कोई पूजा होता है, पाठ होता है, नौ कन्या का पूजा होता है, दुर्गा माँ का पूजा होता है, तब ये बनता है। गुडनेस, दिस इज सो गुड गाइस, काश काश मैं आपके साथ ये वाला जो सब्जी और पूड़ी है ना शेयर कर पाती, दिस इज डिलीशियस। ऑनेस्टली फूड फैम, कुछ कुछ खाने ऐसे होते हैं ना जो मुझे सीरियसली लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करके खाऊं, इस स्क्रीन से बाहर निकल के बोलूं लीजिए खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी है। बट आई टेल यू वन थिंग, ये आलू की सब्जी तो पापा शेफ के चैनल में मैं बोलूंगी, वो डाल देंगे रेसिपी। ये पूरी तो डेफिनेटली घर पे बना के खाइएगा, ये पूरी सबके साथ अच्छा लगेगा, वेज नॉन वेज सारे डिश के इसके साथ। ओए, पास्ता खाइए क्या? कौन सा कलर है, लाइक रेड कलर का पास्ता है क्या? ऑब्वियसली रेड सॉस ले। वाओ, तुम बनाया? हाँ। तो तुम नहीं खाएगा लाल पूड़ी? नहीं, मेरे को मन नहीं है। अच्छा है, हेल्दी चीज क्यों खाएगा, स्पून दे। ये बिट्टू भैया ने बनाया रेड सॉस पास्ता, तो चलिए खाते हैं। नॉट बैड, इट्स एक्चुअली टेस्टिंग गुड, अच्छा खाना बनाता है वैसे बिट्टू। रेसिपी शेयर कर, वीडियो में डाल पापा शेफ खाएगा। तो चलिए मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ, लंच फिनिश करके थोड़ा अपना काम करते हैं, काम करने के बाद शाम को मिलते हैं। So I've just woke up from sleep and अभी मेरे को भूख लगा है, तो ये कुछ चिप्स मैंने मंगाए थे। टू बी ऑनेस्ट, एक ब्रांड है उसका चिप्स है, like these are very expensive chips, huh? Like different flavors ke different prices, like this is okra which is bhindi, that is 59 rupees, golden sweet potato hai, phir herb taro hai, pata nahi sab kya, maine kabhi khaya bhi nahi hai, crunchy tomato hai, crispy beetroot hai, so basically purple sweet potato and crispy beetroot, so beetroot is the most expensive one, this is for 140 rupees and ye purple hai to ye nahi kha sakti, ye red hai ye khaungi, this is for 149, acha ye expensive hai, this is taro। सो मैं नेक्स्ट टाइम वो वीडियो करूंगी अनट्राइड फूड फॉर 24 आवर्स, उसमें मैं ये आपको खा के दिखाऊंगी। अभी फिलहाल मैं, अरे पर अनट्राइड फूड कैसे होगा जब तू ये खा ही लेगी? अभी सिर्फ एक फ्लेवर खा रही हूँ ना, क्रिस्पी बीट रूट, इधर इतना सारे फ्लेवर्स इसको खाया ही नहीं है, तो ये बाद में खा लूंगी। पॉइंट, आई एम ऑलवेज ऑन पॉइंट। सो अभी और एक बात बोलूं, रुक जा, तेरा बर्न और तेरा टी शर्ट लुक देख, सेम लग रहा है। कुछ भी हट। द रोमा इज गुड, नॉट बैड, इसको मैं व्हाइट प्लेट पे डालती ताकि आपको देखिए ये कितना अच्छा रेड कलर का है। चलिए अब खाते हैं रेड चिप्स, मेरा रेड कलर का चिप्स, आई डोंट नो कैसा होगा खाने में।
काफी बीट बीट हो गया। बीटरूट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन में मेरा खून बढ़ जाएगा, नहीं अच्छा। नो डाउट हेल्दी है। इट्स लाइक बीट रूट को पतला पतला काट के एंड देन उसको बहुत ड्राई कर दिया है एंड ऊपर से पता नहीं क्या हल्का मसाला दिया है एंड ये काफी जला जला टेस्ट भी आ रहा है इसमें से। बेक जो किया है ना, इसमें से टेस्ट भी थोड़ा जला जला आ रहा है। बेक बहुत ज्यादा कर दिया, देखिए ये जल चुका है पूरा, ये वाला पूरा जल चुका है। सो 149 रुपीज़ ये देखिए वेस्ट है, बिकॉज अगर आपको सच में हेल्दी खाना है, लाइक हेल्दी डाइट खाना है, ऐसी बीटरूट लाके घर में खा लीजिए। बीटरूट कितना रुपए किलो? 40-50। बीटरूट 40-50 रुपए किलो है, 149 रुपीज़ का ये देखिए क्या होगा। ऑर्गेनिक खाइए, चैलेंज के लिए खा ली। अरे और खाएगी रेड कलर फूड? रुक जा, ऑर्डर कर रही हूँ खाना रात के लिए। क्या ऑर्डर कर रही है? तेरा फेवरेट, गेस कर। hmm. तेरा मोस्ट फेवरेट जगह से रेड ना? hmm. तो क्या ही होगा, मैं बता देती हूँ। सो अभी डिनर के लिए आई एम ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम चाइनीज मोमो प्लाजा सेंटर, नाम ठीक बोला ना? हाँ तो ये बागुवाटी में है। बिफोर लॉकडाउन वी यूज टू हैव देयर वेरी ऑफन, लाइक हर वीक हम खाते थे। उसका सेजवान राइस इज द मोस्ट 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 स्पाइसीएस्ट एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी उनको काफी फीचर किया है एंड अभी हम लोग देख के खुश हो गए कि वो जोमेटो में अपने आपको फाइनली लिस्ट करा ली है। काफी छोटा दुकान है, इट्स अ स्ट्रीट शॉप, इट्स नॉट अ बिग ईटरी, नॉट अ बिग रेस्टोरेंट, बट खाना बहुत अच्छा है उसका, चाइनीज खाना बहुत अच्छा है। So the items which I'm ordering is red spicy Szechuan rice mixed, because बहुत spicy होता है, red color का होता है and मैंने chili chicken order किया है, hope red color का है। अगर red color नहीं होगा तो नहीं खाऊंगी, but rice तो खा ही सकती हूँ, तो चलिए order करते हैं। Voila, this is red है, red है, हाँ ready है, हाँ Szechuan rice है, ready है। This is my mixed Szechuan rice and ये भी I hope red color हो। Okay, yes, this is red in color. Yay! मैंने बोला था ना बहुत स्पाइसी बनाता है, मैंने बोला था ना स्पाइस बनाता है। देखो मिर्ची, देखो मिर्ची भाई, मिर्ची देखो। बिट्टू भैया क्या हुआ? अभी कुछ पूछ मत। क्यों? खाने में फोकस कर। He can't control. Chicken and ये ग्रेवी रेड completely. लिटरली वो चिप्स खा के मेरा लाइट पैलेट थोड़ा सा डगमगा गया एंड आई रियली बैडली नीडेड दिस, आई एम सो हैप्पी। चाइनीज का इसको हम लोग बुलाते हैं चाइनीज, लाइक इसका ये चाइनीज नहीं है, इसको हम लोग बुलाते हैं चाइनीज का दुकान से मंगाना, चाइनीज की दुकान से मंगाना। आज मैंने भी खा ली, मुझे पानी आ रहा, बिट्टू भैया ऑल्सो कांट रेसिस्ट। चलो खाते हैं। Oh my God, इस राइस में इतना ज्यादा फ्लेवर्स, इतना पंच है, स्पाइस है, सॉल्टीनेस है और प्रॉन एंड चिकन एंड एग का बहुत अच्छा फ्लेवर्स आ रहा है। चलिए अब चिली चिकन को खाते हैं। वेरी नाइस, मतलब इसके यहाँ का मेरा राइस चिली चिकन बहुत दिमाग खा रहा है आफ्टर 6-7 months, आई गेस। मतलब कुछ कुछ जगहों का खाना ऐसा होता है ना कि कहीं का भी बेस्ट खाना दे दो, बट उस जगह का खाना या उस इंसान के हाथ का खाना आपको जो सैटिस्फैक्शन देता है ना, वो कोई नहीं दे सकता। एंड ये खाना मुझे सैटिस्फैक्शन देना है और मेरे को खाना सैटिस्फैक्शन के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। फॉर मी खाना इज लिटरली इमोशन, फॉर मी खाना इज माई फीलिंग्स। जब भी मैं अपना बेस्ट खाना खाती हूँ ना, मेरे को खा के बहुत अच्छा लगता है, आई फील लाइक डांसिंग। Taking one scoop of vanilla ice cream, इसमें मैं ये fruits डाल दे रही हूँ। Red color तो हुआ नहीं है। Mommy chef ने idea दिया है, पापा chef ने नहीं, पापा को credit दी तो मम्मी गुस्सा हो गई। So मेरे को ये खाना था तो मैं इसमें red करने के लिए मैं इसमें रुआफजा डाल दे रही हूँ। हो गया लाल। So voila, my red ice cream. I don't know what is this ice cream or what, but dessert hai meetha.
आई रियली वांटेड टू हैव वाटरमेलन, सो ये रेडी है, चलो खाते हैं। गाइस आपको मेरी आंख दिख रही है? बहुत नींद आ रहा है, मैं ना तो सोने वाली हूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट हैंड्स अप सब सब्सक्राइब एंड सी इन द नेक्स्ट टाइम। टिल देन व्हाट, टिल देन ईट एनीथिंग यू वांट। गुड नाइट, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।